सतनाम वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी वैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मिलिया मेरा सिरजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मिले मत निर्गुण हम मिले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हर गणत न आवै तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लहें हर पावे हम अपराधी राखे गुर संगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावे तुमरे गुण क्या कहां मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब बिस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदप मेरा सखा सहाकाय जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साविद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम तापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साविद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम तापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जागत जोत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मुबारक गोद विच बैठ दाता सतगुरु जी दे पावन पवित्र बाणी चों इस मनुखा जीवन सफल करन लई सेध प्राप्त करन दा जतन कर रहे सतसंगी जनों आओ कुछ पल मिल बैठ के अपने गुरदेव दे पावन गुर शब्द दी विचार नाल आपां सरबते अपनी अपनी सुरत दी सांझ जोड़िए ते सारे फिर एक बार अपने गुरदेव जी दी बख्शिश कीती गुरु फतेह सांझी करिए वाहे गुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी वैरागण महला चौथा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैले कबहू, मत निर्गुण हम मिले कबहू, अपनी कृपा तार रहाओ। अध्यात्मक जगत अते संसार विच जमी अनसवान दा अंतर है। संसारी मनुख गुनाह छुपा के चलदे, धर्म दी दुनिया च जिंदगी जीण वाला अपने गुनाह मन के चलदे। फिर सारे ध्यान दईए, दुनिया दा बंदा अपने गुनाह छुपा के चलदे, ते धर्म दी दुनिया च विचरन वाला बंदा अपने गुनाह कबूल के चलदे। जे जिंदगी विच आपां अगे वधणा है तां सानू अपनियां भुल्लां, अपनियां कमजोरियां, अपने औगण, अपने गुनाह स्वीकार करने पैणे। जेकर आपां अपनियां भुल्लां ते गुनाह ना स्वीकार कीते, खिमा करना, संसार दी जिंदगी ते आपां जीव सकांगे। व्यवहार दी जिंदगी अग्ञानता वाली जीव सकांगे। दुनिया दे व्यापार वाली जिंदगी भी आपां जीव सकांगे, पर आपां धर्म दी जिंदगी, ज्ञान दी जिंदगी, विवेक दी जिंदगी नहीं जीव सकांगे। ये साडे ते निस्पत है कि आपां केड़ा जीवन जीना चाहते। आपां की धर्म दा जीवन जीना चाहते हैं? आपां सचमुच उस राह ते तुरना चाहते हैं जिस राह दा पांदी साडे सतगुरु जी सानू सारे नू बनन वास्ते अनक बार प्रेरणा गुरबाणी दे अंदर बख्शिश कर दे। ये साडे ते निस्बत है, ये साडे ते आधारित है, ये साडे ते गल खलोती है कि असी इस गल नू सब किस रूप विच लैंदे। जिथों तक दुनिया दे हर एक मनुख दी गल है, ये आप एक सारे समझ लईए, संसार दे अंदर इस तरह का मनुख कोई नहीं जेड़ा कदी भुल ना करदा होवे, जेड़ा गलती ना करदा होवे, जिहदे को जाने अणजाने विच अवग्ञावां ना हुंदियां होण। दुनिया दे अंदर इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं। खिमा करना, मैं अपने गुनाहां ते पर्दा पा लवांगा, किसे को छुपा लवांगा, पर मैं अपने गुरदेव दे कोलो अपनी जिंदगी दी कोई कमजोरी नहीं छुपा सकदा। मेरा गुरदेव मेरे हर कर्म नूं देखदा, अगों देखै पिछों देखै, तुई ते कहां छुपावै। ए मालका, तू मेरी जिंदगी नूं हर पक्ष तों देख रहे हैं, तेरा मेरी जिंदगी दे हर कर्म ते निगाह है, तू मेरे हर जीवन दे हर पक्ष बारे जानदा है। मेरियां सारियां दियां सारियां कमजोरियां हे वाहिगुरु, हे जीवन देण वाले परमात्मा, तेरे सामने प्रगट ने। दुनिया दे जज नूं मैनू गुनाह मनाउण वास्ते पता नहीं किन्ना कुछ करना पैंदा, मैनू पुलिस रिमांड देना पएगा, हो सकदा मैं तां वी ना मन्ना। पर धर्म दी दुनिया विच कोई बंदा, राजा, भिखारी, कोई जदों आ के धर्म गुरु अगे अपना सिर झुकांदा है ते सारियां तों पहलां अपनी जिंदगी दी कमजोरी स्वीकार कर, अपने गुनाह नूं स्वीकार करदा है, अपने औगण नूं स्वीकार करदा है, वो जाणदा है। इस दर उत्ते आ के जेकर मैं अपने गुनाह नूं छुपा लिया तां मेरी जिंदगी धर्म दे मार्ग ते अगे चल ही नहीं सकेगी, अगे तोरी नहीं सकेगी। मैं सारी जिंदगी
मंजिल ते जा ही नहीं सकांगा सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह। जो आप उन्हां दी बाणी पढ़ते हैं उन्हां दी बाणी विच निम्रता का जिहड़ा पक्ष है बड़ा ही भारू है। वैसे तो सारे गुरु साहिबान की बाणी अंदर निम्रता का पक्ष भारू है, पर सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह की बाणी के अंदर ये गल खास तौर पर आप सारियां नूं पढ़न वास्ते नसीब हुंदी, क्योंकि असीं बहुता ध्यान नहीं देंदे। साडा बहुता बाणी विचों जो कुछ लैना चाहिए उस पर ध्यान नहीं केंद्रित हुंदा। साडा बाणी पढ़न की किरिया एक सहज सुभा की किरिया, आम करन वाली किरिया तो वध कुछ नहीं रह जांदी, जिस कारण करके सानू गुरबाणी दे अंदर जिहड़ी चुब्बी मार के कुछ प्राप्त करन की बिरती है वह तो असीं वांझे रह जांदे। हुण मालो गुरदेव पिता जी ने इस पावन शब्द की जो रहाओ दे दो गुर पंक्तियां ने, इन्हां दो गुर पंक्तियां दे अंदर जिहड़ी गल उन्होंने मालक परमात्मा नाल वाहिगुरु जी नाल सांझी कीती है ये साडी जिंदगी की कमजोरी है। ये मेरे मालक ते गुरदेव ते एक अखर भी नहीं ढुकदा, खिमा कर दे जिहड़े शब्द उन्होंने अपने लिए वरते ने ये मेरी कमजोरी है, ये केवल सिंह की कमजोरी है, ये किसी दुनियादार होर बंदे की कमजोरी हो सकती है, पर मेरे गुरदेव पिता धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास पिता जी की कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ये सानू चंगी तरह ध्यान रखना चाहिए, ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास नाल सानू समझना चाहिए। आ मालक कितना दे बचन रब जी नाल प्रभु जी नाल सांझे कर रहे ने, आपां श्रवण करिए। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, हे मेरे राम, हे मेरे राम तो पावे हे वाहिगुरु, हे परमात्मा जी निरंकार जी, कहिंदे हम मिणे मैं पापी मिणे गुनाहगार, जिन्हें माड़े काम किए ने, माड़ा काम कई बार आप सोचने किसी को मारन नाल हुंदा नहीं, माड़ा काम सोचन नाल भी हुंदा। जिहड़ा पाप की गल है ये जे मैं किसी के प्रति नफरत आ गई तो मैं पापी पापी बन गया, मैं किसी ना घिरना कर ली तो मैं पापी बन गया, किसी दे बारे में अपने मन के अंदर माड़ा चितव लिया तो मैं पापी बन गया। हुण यह ध्यान रखना पेगा, मत सोचना जेब कट्टण वाला पापी है, मत करना किसी का परस खोण वाला पापी है, मत सोचना किसी का घर भन्न वाला ही का पापी है। हाँ जी, पापी मैं सह सुभा बन जाता जदों मैं वो काम करता हाँ जिहड़ा काम मैनू नहीं करना चाहिए, जिस काम दे जिस बारे गुरु जी ज्ञान देंदे ने ऐसा काम मूले ना कीचै जिते अंत पशोताई है, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पशोताई है। फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण, फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण, जिस काम दे विच कोई गुण नहीं कोई चंगयाई नहीं वो काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। पर मैनू कौन समझाए, सतगुर दे बचन करते ने पर मेरा मन मनण लई तैयार नहीं। दुनिया का बंदा हर वो काम करता है जिस पासे तो बंदे नूं रोकिया जांदा, कभी अपने अपने मन ते आपां झाती मार के देखी। गुरु कहिंदा किसी रूप वाले पासे नहीं वेखना, मेरा मन वेखण दे लई 24 घंटे तैयार है। मेरा गुरु कहिंदा मन दे अंदर कोई बुराई नहीं आउण देनी, पर मेरे अंदर ते बुराइयां दे अंबार लगे रहिंदे, मेरे अंदर की है बुराइयां दे अंबार लगे रहिंदे। मैनूं पता है मैं कितना दा हां, मेरे अंदर केड़ी केड़ी कमजोरी है। ठीक है संसार नहीं जानता, दुनिया नहीं मेरे बारे जानती, पर एक गल का चेता है मैनू, मेरे सतगुरु जी जानते। इसलिए कभी भट्ट साहिबान के बचन पढ़ के देखिए
उन्होंने कितना दे मुबारक वचन कहे ने, हमें अवगण भरे एक गुण नाई। उन्होंने अपने बारे जो वचन कहे ने ते भागा वाले नमस्कार है उन्होंने, जिहड़ा मनुख गुनाह स्वीकार कर लवे। वैसे पट साहबान विच कोई मैनू नहीं जापता कि औगण सी, ये उन्हां दी उदारता है, ये उन्हां दी निम्रता दा तल है, क्योंकि उन्होंने धर्म राह ते चलदियां 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 अपने अंदर एक जग्यासू दी सुरती बिरती नूं पैदा कर, जिस वह बिरती जिहड़ी ज्ञान लैण लई काबल बन जांदी है उन्हूं जग्यासू बिरती कहिंदे ने। उन्हां अंदर पैदा हो गए, एवें नहीं उन्हां बचन कह हमें अवगण भरे एक गुण नाही, कोई गुण नहीं। अंदर की भरिया पिया, अवगण भरे पे ने, अंदर की भरिया पिया है भुला भरिया पईआं ने, अंदर की भरिया पिया है कमजोरियां भरिया पईआं ने। खिमा करना, ये तो मेरे वर्गे मूर्ख विच भी भरियां पईआं ने, पर मेरी बदकिस्मती कि मेरे वर्गा जिहड़ा व्यक्ति है ये अपने गुनाहां नूं छुपा के तुरना चाहुंदा है, दूजे दीआं गल्लां कर करके अपने आप नूं बड़ा खुश महसूस करना चाहुंदा है। खिमा इतना नहीं, मैं गुरु दे इस ज्ञान दे दर्पण दे सामने बह के अपना गुनाह नहीं छुपा सकांगा। जिवें कंध दे लगे हुए शीशे दे सामने खलो के कोई दुनिया दा बंदा अपने तन ते लगा होया धब्बा कपड़ियां ते लगा होया धब्बा नहीं छुपा सकदा, इस तरह ज्ञान दे दर्पण दे सामने खलोण वाला कोई दुनिया दा बंदा अपने मन ते लगे हुए अज्ञानता दे गुनाहां दे दागां नूं कोई बंदा छुपा नहीं सकदा। हुण इसे लई मेरे गुरदेव पिता कहिंदे ने, मेरे राम हम पापी, असी पापी हैं, गुनाहगार हाँ, भुलनहार हाँ। हुण जो भुलनहार हाँ, मालका मैं पापी हाँ, मैं भुलनहार हाँ, ते मेरे उत्ते तुहाडी बख्शिश होई तां हे वाहिगुरु जी शरण परे हर द्वार, ये तुहाडी रहमत हो गई मेरे वर्गा भुलनहार, मेरे वर्गा गुनाहगार, मेरे वर्गा पापी किथे आ गया, आप जी दे दर उत्ते आ गया, आप दे दरबार उत्ते आ गया, आप दे घर विच आ गया, आप दे दर ते आ के आप जी दी शरण विच पै गया, ये आप जी दी नजर हो गई। मत निर्गुण हम मिले कबहू अपनी कृपा तार, मत मत मन मत आस लेके आए तुसीं संसार नूं तारन वाले जे, दुनिया का भला करन वाले जे, दुनिया के कोट गुनाह खंडन करन दी ताकत दे मालक जे, मती उस तरह मेरे भी गुनाह मुक जाण, मती उतरा मेरे भी गुनाह मुक जाण। मेरे अंदर ताड़े बारे जानकारी, मैं जानदा हाँ, मैनू पता है ताड़े बिरद दा, मैनू पता है ताड़े सुभा दा। कदे भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पढ़ के देखिए तां भाई साहब जी कहिंदे अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत, अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत, दीन के दयाल सुन पै परम टारो। जदों मैं सुनदा हाँ परमात्मा जी अंतर जामी है तो मैं कंब जांदा, अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत, दीन के दयाल सुन पै परम टारो। जदों मैनूं पता लग जांदा मालका तू ते दीना ते दया करन वाले, नमाणिया ते तरस करन वाले, जिन्हां दा कोई नहीं उहदे आसरा बनन वाला, जिन्हों मैन पता लग जाए तू तो दर आए दे बह फड़ के अपनी छाती ना ला लैना मालका, फिर मेरे अंदर इतना दी आस पैदा हो जाती है, मैं अपना भय तो भरम जड़ा ना टाल लैना, मैं इतना शंका पैदा होंदा पता नहीं मेरा पार उतारा होएगा कि नहीं होएगा, मेरे गुनाह का
खंडे किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, मैनू गुनाह तो मुक्ति मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। मत निर्गुण हम मिलै कबू, मेरे अंदर आस बज जाती है मती मैनू भी तो बख्शिश करे, तो बख्शिश करके की कर लवेगा मिलै मैनू परमात्मा जी दे नाल मेरा मेल हो जाएगा, बख्शिश होएगी। रब ने ही बख्शिश करनी है तो जिन्हें बख्शिश करनी उन्हें किसी ने मिलने अपने नाल मिलने। एक बच्चा गलती करता है भुल करता है, वह अपनी गुनाह मन के माँ को आ जाते स्वीकार कर लेंदे, तो माँ की करती है, माँ की करती है, पिता की करता है, अपनी छाती ना ला ले, अपनी छाती ना ला लें। इस तरह आप सारे परमात्मा जी के बच्चे हैं, जदों साढ़े अंदर अपने अपने गुनाह का सानू ज्ञान हो गया तो असी गुनाह नू स्वीकार करके हरी परमात्मा की शरण में आ गए तो हरी परमात्मा जी की करनगे कि साढ़े वर्गे निर्गुण नू, हे वाहिगुरु जी मेरे अंदर अपने बारे ज्ञान है कि मैं गुण भी होना हाँ, मेरे को कोई गुण नहीं, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं, कोई चंगयाई नहीं, कोई खूबी नहीं, मेरे अंदर इतना की अवस्था है। हम मेला है कब हूँ, कभी मैनू भी मिल लोगे, मैंने इस गल का भरोसा है, मती मेरे ते भी तरस करोगे, इस गल का मैनू भी यकीन है कि ताड़ी निगाह कोई भी आ जाए तुसने हर थां ते निगाह रख दो, ये तो बंदे तो दूर की गल है। कसमे नदरे कीड़ा आवे, कसमे मालक दी परमात्मा दी निगाह विच कीड़ा भी आ रहे, जेते चुगे दाने वो किन्ने दाने खा रहे, रब पता है ये मेरा पैदा किया होया जीव इन्हू भी रब जी जानते ने, तो मालक कहते ने अपनी कृपा धार, मैनू इस गल का यकीन बज गया कि लाजमी मती मित भी आप जी तरस करोगे, तरस करके मैनू अपने नाल मेल लोगे, तो मेलन का बिरध ताड़ा की है। अपनी कृपा तार, अपनी कृपा तार, अपनी कृपा तार, अपनी कृपा तार। हुण मालिक का ऐसवा है, जो शरण आवै तिस कंठ लावै, जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ए बिरद स्वामी संदा, ये साडे मालक दा, साडे सृजनहार दा, साडे हरि पिता दा बिरद है। तो मालक ने चार पदे उच्चारण किए ने, आ पहले पदे दी विचार करिए। हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। हे परमात्मा जी, हे वाहिगुरु जी, तुहाड़ी कृपा नाल जो मैं तुहाड़ी शरण में आया है, मैं निर्गुण आ रहा है, मैं पापी, जदों तुसां मेरे ते बख्शिश कर दिती, नदरे कर्म कर दिते, मेरे वर्गे भुलणहार नूं जदों आप जी दी शरण विच आउण दा मौका मिल गया, हुण प्रभु जी फिर पता की होया, की होया? मालक देखो किवें दी बात पा रहे, हमरे मन चित आस नित, हर आस नित। हुण मेरे मन दे अंदर, तन दे अंदर हरी परमात्मा नूं मिलदी निता प्रति आस पैदा हो। हुण जदों गुनाह दा पता लग गया, स्वामी वाले पासे ध्यान चला गया, मालक वाले पासे ध्यान चला गया, जदों मालक वाले पासे ध्यान चला गया तो फिर मालक नूं मिलदी की हो गया, अंदर की पैदा हो गई, मालक नूं मिलदी अंदर की पैदा हो गई। दर्शन की मन आस कनेरे, दर्शन की मन आस कनेरे, दर्शन की मन आस कनेरे,
दर्शन की मन आस कनेरी। हुण अंदर तमन्ना जाग पे अपने मालिक दे नाल संबंध जोड़न दे मेल करन दे ये तमन्ना पैदा हो गई। मालिक कहिंदे हमरा मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। हुण ना जिहड़ी आस है ये बेबलता वाले पासे चले गई। बेबलता बेबलता हुंदा है बेसबरापन कि हुण विच समा नहीं पैना चाहीदा, बस हुण मेरा ना मिलन हो जाना चाहीदा, हुण मेरा मलाप हो जाना चाहीदा। यह जिहड़ी मलाप की जिहड़ी आस पैदा हुई है ना, ये क्यों देखा किवें देखांगा, यह मैनू दर्शन किवें नसीब होएगा, किवें मेरा हरी परमात्मा जी दे नाल मिलन होएगा, हे प्रभु मैं तुहानू किवें देखा, ये हुण मेरे अंदर इतना दी बेबलता पैदा हो गए। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरा मन चित हर बहुत प्यारा। हुण मालिक देखो ऐ जिज्ञासु वित मेरे वर्गा मनुख इस मार्ग का पांदी नहीं, पदार्था मगर भजन वाली सुरती बिरती दे मालक, पर रब दी अंदर प्यास लग जाए मिलदी आस लग जाए वो जिहड़ी मन दी दशा है वह भागां वाले पता किन्नी सुलखण किन्नी खुश नसीब अवस्था होंदी है। ये मालक श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ये बख्शिश का मीह पाउंदिया होया कह रहे ने जिन प्रीत लाई, जिन प्रीत लाई सो जानदा, जिन्हें प्रीत लाई ना मेरे अंदर अपने दर्शन दे वो मेरे मन दी दशा नू जानदा है। परमात्मा दी प्रीत किन्ने लाउणी है जी, मेरे अंदर वाहिगुरु जी ने जदों पैदा करना ना अपना प्रेम आपे ही लाए, अपना प्रेम आपे ही लाए, अपना प्रेम आपे ही पैदा कर लैन। हुण जिन्हां दे मन च प्रेम पैदा हो जांदे उन्हां दी दशा उन्हां दी हालत कितना दी हुंदी है। फ्री जी दे बचन आपां सारिआं ने कई बार पढ़े ते सुणे ने तप तप लोए लोए हाथ मरोरो, तप तप लोए लोए हाथ मरोरो बावल होई छौ शैलोरो। पागलपन आ जाता फिर उस तो बगैर कोई सोचता ही नहीं, उस तो बगैर कोई ध्यान विच नहीं आता। जिन प्रीत लाई सो जानता, वो जानता है हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हुण साडे मन दे विच ते चित दे विच हरी परमात्मा जी बहुत प्यारे लगदे ने, होर किसे दा प्यार नहीं। अंदर केवल ते केवल की दा प्यार है, हरी दा प्यार। करिए गौर विचार करी।